2008 में मुझे जब पता चला तो एकदम से मतलब थोड़ा नर्वस हो गया था मैं कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस सी करके है। एक तो HIV की परेशानी थी और ऊपर से हेपेटाइटिस सी की और परेशानी आ गई, तो एकदम से मतलब मैं डिप्रेस हो गया था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, किससे सवाल पूछूँ। किससे जाके मिलूँ। ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना था 5-6 लाख उस टाइम पे, वो भी साल भर में कोई कर नहीं सकता मामूली सा आदमी। फरवरी 2013 में फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू हुआ, फर्स्ट मुझे इंजेक्शन दिया। काउंसलर भी अच्छे कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि हाँ आपको 48 वीक्स का शेड्यूल आपको दिया जाएगा, तो उसमें आपको हर हफ्ते आके एक एक इंजेक्शन लेना है और दो दो गोलियाँ खानी है। लेकिन मेरे मन में था कि साइड इफ़ेक्ट वगैरह जाने दो, 90% तो चांस है कि हाँ ये ट्रीटमेंट ठीक जाएगा। और एक ही जगह पे मुझे मतलब ट्रीटमेंट का सब कुछ हो गया, ब्लड कलेक्शन सैंपल वो सब उन्होंने फ्री में करवा दिए मेरे से अपने। अपने से जुड़े मतलब लोगों को हेपेटाइटिस सी का अवेयरनेस फैलाता हूँ। मेरे पीछे भी और 3 पेशेंट थे, तो उनका भी मैंने अच्छी तरह से मतलब उनको बताया कि आप ये ट्रीटमेंट चालू करो। अभी ट्रीटमेंट हुआ तो थोड़ा काम पे ही ध्यान देता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ खाली टाइम पे, और फिर फैमिली का बिजनेस है वो संभालता हूँ। जो लेना चाहते हैं ट्रीटमेंट तो उसे गवर्नमेंट को मतलब एटलीस्ट एक अफोर्डेबल लेवल के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं कि हाँ 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख इतना कोई खर्चा नहीं कर पाता है, किसी को अफोर्ड नहीं होता है। अभी तो मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हूँ, मतलब एकदम फियरलेस, एकदम से मतलब जो कॉन्फिडेंस था 90% तो अभी 200% हो गए हैं।